शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 67th PPSC प्री की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग सेट नंबर एक का चौथा खंड यानी सेट 1D का प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है, सभी के सभी प्रश्न बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए एक एक कर सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक संस्कृति में किस देवता को देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है? आपके पास 5 विकल्प होते हैं बीपीएससी में। पहला है अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण, डी कुबेर और 5वां विकल्प ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अग्नि, विकल्प ए। वैदिक संस्कृति में देवता अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ माना जाता है। वैदिक संस्कृति में अग्नि देवता को देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वरुण देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में देवता इंद्र को विशेष पूजनीय बताया गया है। देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। तो इस प्रकार से सभी जानकारियां आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में केंद्रित था? विकल्प ए है राजाओं, विकल्प बी है किसानों, विकल्प सी है वणिक वर्ग के और विकल्प डी है सामंतों के और विकल्प ई भी है, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न के बाद विकल्प ई को मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि विकल्प ई तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर विकल्प ई पढ़ने से टाइम किल होता है और कुछ नहीं, तो विकल्प ई मैं बोल दूंगा, आप समझ जाइएगा। तो हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में केंद्रित था। मैं यहाँ जानकारी दे दूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे सभ्यता थी? नगरीय या शहरीय सभ्यता थी। हड़प्पा के विषय में सबसे पहली जानकारी वर्ष 1826 ईस्वी में किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने दिया था। और इसकी खुदाई बाद में 1921 ईस्वी में किसने किया था? दयाराम शाहनी ने। तो दोनों बात आप याद रखिएगा कि इसकी जानकारी सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। और इसके उत्खनन का कार्य किसने किया? दयाराम शाहनी के नेतृत्व में हुआ। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है और पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो था वह हड़प्पा संस्कृति में विशेष पूजनीय माना जाता था। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? विकल्प ए है गौतम बुद्ध को, विकल्प बी है महावीर स्वामी को, विकल्प सी है एनिवेशेंट को और विकल्प डी है मैगम भीकाजी कामा को और विकल्प ई भी है। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किसे? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? तो वर्धमान है। साल 1917 के कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, तो एनी बेसेंट के बारे में जान लिए। और मैडम भिकाजी कामा के बारे में कहा जाता है, यह भारतीय क्रांति की जननी या भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता था मैडम भिकाजी कामा को। आइए चौथा प्रश्न है, बिहार के किस जिले में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के किस जिले में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? विकल्प ए है पूर्णिया, विकल्प बी है मुजफ्फरपुर, विकल्प सी है दरभंगा, विकल्प डी है सारण और विकल्प ए भी है। तो बिहार के किस जिले में? तो यहाँ पर विकल्प ई सही हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादड़ और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, पुरातन जलोढ़ मिट्टी को भांवर कहते हैं। बिहार के उत्तरी भाग में नवीन जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है, अतः पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण सभी जिलों में जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, विकल्प ई आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न, 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विकल्प ए है नलकूप, विकल्प बी है नहर, विकल्प सी है तालाब, विकल्प डी है छोटे नहर और विकल्प ई भी है। तो 5वां प्रश्न हो जाएगा आपका विकल्प ए नलकूप, यानी बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो क्या है? नलकूप है। बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार नलकूपों द्वारा कुल सिंचित भूमि का 61.39% जो है
सिंचाई की जाती है और नहरों के द्वारा कुल सिंचित भूमि का 27.47% सिंचाई की जाती है और तालाब एवं अन्य साधनों के द्वारा कुल सिंचित भूमि का मात्र 11.14% जो है वह सिंचित किया जाता है। तो इस प्रकार से बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा हो गया? नलकूप। आइए चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का गठन किस स्थान पर किया था? विकल्प ए है पटना में, विकल्प बी है नेपाल में, विकल्प सी है चंपारण में, विकल्प डी है भागलपुर में और विकल्प ई भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, नेपाल में। मैं यहाँ जानकारी दे दूँ, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया। बाद में जेल की दीवार फांदकर जयप्रकाश नारायण फरार हो गए। जेल से फरार होने के बाद भूमिगत होकर जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए नेपाल ले गए, जहां पर उन्होंने एक दल का गठन किया जिसका नाम आजाद दस्ता था। मार्च 1943 में नेपाल के राजबिलास के जंगल में आजाद दस्ते का प्रथम शिविर प्रारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह को बनाया गया था। आजाद दस्ता का शाखा भागलपुर, मुंगेर आदि जगहों में भी, पूर्णिया आदि जगहों में भी बनाया गया था। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा नेपाल में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 3464 पर पावर है 78/78, इसमें इकाई अंक का मान क्या होगा? विकल्प देख लीजिए, 7 है, 6 है, 5 है और 3 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी यानी 6। इसको बनाएंगे कैसे? तो 78 में आप 4 से भाग दे देंगे, जो शेष फल आएगा आपका 2, वही शेष फल क्या होगा? अब पावर होगा। तो अंतिम डिजिट लेंगे तो 4 पर पावर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 16, और 16 में इकाई अंक क्या है आपका? 6। तो यही 6 आपका उत्तर हो जाता है। अब आइए चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। 8वां प्रश्न हमारा क्या है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अपने मूल त्रिज्या की 3 गुनी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो आपके पास 5 विकल्प है, ए 300%, बी 800%, सी 900%, डी 400% और विकल्प ई भी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 800%। बनाएंगे कैसे? कहेगा कि 3 गुनी हो जाएगी, तो जितनी कहे उतना पर पावर आप दे देंगे 2 और माइनस 1 कर देंगे और गुना 100%, यही हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। जितनी गुनी कहेगा उतना पर पावर 2 रखेंगे, यहाँ पर 3 गुनी कहा था तो हमने 3 पर पावर 2 और माइनस 1 गुना 100%, ये हो गया। इसे करने के बाद आपका कितना हो जाएगा? विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, 800%। आइए चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, 117, 120, 123, 126 ये श्रृंखला है और कहाँ तक है? 323 तक में पदों की संख्या कितनी है? तो पदों की संख्या हम क्या करेंगे कि 333 में 117 घटा देंगे और क्या करेंगे, इसके डिफरेंस कितना है? 3, ये भाग दे देंगे, क्या हुआ? जो भी आएगा वो हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प में से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं आज के 10वें प्रश्न पर। आज का 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में संबंध में दिया गया है? आपके पास 5 विकल्प है, प्रथम अनुसूची, छठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची और विकल्प ई भी है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि 7वीं अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे के बारे में कहा गया है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? केंद्र राज्य के बारे में कहा गया है। छठी अनुसूची है उसके बारे में सुन लीजिए, छठी अनुसूची में क्या है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का जातीय प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। 7वीं अनुसूची में तो शक्ति के बंटवारे, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का जिक्र है। और 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया है। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 7वीं अनुसूची। आइए चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। आज का 11वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा?
तो विकल्प 5 है आपके पास, अनुच्छेद 20(2), अनुच्छेद 21(3), अनुच्छेद 25(1), अनुच्छेद 16(1), उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, विकल्प ई भी आपके पास। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो विकल्प ए, अनुच्छेद 20(2). अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा है और यह भाग 3 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 20 सेकेंड में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मैं 21(3) की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 21 की बात कर रहा हूँ। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगा। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के अवसर में समता या समानता की बात कही गई है, लोक नियोजन में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प ए अनुच्छेद 20 सेकेंड सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न, 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत के निर्वाचन में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 5 विकल्प आपके पास होते हैं, विकल्प ए 52वां, विकल्प बी 71वां, विकल्प सी 92वां, विकल्प डी 73वां और विकल्प ई भी है। तो इस प्रकार से आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी 73वां। 73वां संविधान संशोधन जो 1993 में लाया गया, राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि ग्राम पंचायतों को औपचारिक रूप प्रदान करे और इसी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों को आरक्षण करने का भी प्रावधान किया गया। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन में क्या कहता है, 52वां संविधान संशोधन कहता है कि यदि संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या दल द्वारा निकाल दिया जाता है जिसने उसे खड़ा किया था, अथवा निर्दलीय उम्मीदवार जीतने के बाद 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, वह सदन का सदस्य होने के योग्य नहीं करार दिया जाएगा, मतलब सदन में अयोग्य करार दिया जाएगा। ये हो गया 52वां संविधान संशोधन कहता है। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन क्या कहता है, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में आया था और यह कहता है कि 8वीं अनुसूची में कोकनी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को जो है शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 8वीं अनुसूची में जानते हैं 22 भाषाओं का उल्लेख है। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन क्या कहता है, तो 92वें संविधान संशोधन 2003 में आया था और इसमें भी 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को। 13वां प्रश्न है, चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था। आपके पास 5 विकल्प है, तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, गोलकनाथ समिति और बलवंत राय मेहता समिति, और विकल्प ई भी आपके पास। तो यहाँ पर विकल्प ई सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए तारकुंडे समिति और दिनेश गोस्वामी समिति, दोनों समिति का गठन जो है चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए ही किया गया था। तो इस प्रकार से विकल्प ई यानी उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही हो जाएगा। यहाँ मैं जानकारी दे दूँ कि चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए तारकुंडे समिति एवं दिनेश गोस्वामी समिति दोनों का गठन किया गया था। तारकुंडे समिति की सिफारिश पर मतदान करने का जो अधिकार है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, उन्होंने ये सिफारिश किया था और उनकी सिफारिश को 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये तारकुंडे समिति की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है। आपके पास 5 विकल्प है, विकल्प ए है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, विकल्प बी है जनसंख्या, विकल्प सी है खाद्यान्न, विकल्प डी है प्रति व्यक्ति आय और विकल्प ई भी है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद।
हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। इसकी अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? प्रोफेसर राजकृष्णन ने। तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक में बोलते हुए उन्होंने हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकल्प ए है व्यक्ति, विकल्प बी है राज्य, विकल्प सी है संगठन, विकल्प डी है बैंकिंग और विकल्प ई भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प ई, क्योंकि विकास का भारतीय मॉडल जो है व्यक्ति और राज्य दोनों की हितों का सुरक्षा करता है। तो इस तरह से विकल्प यहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा? विकल्प ई, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक विकल्प सही है, विकल्प ए और विकल्प बी दोनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए चलते हैं 16वें नंबर प्रश्न पर। 16वां नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। आपके पास 5 विकल्प है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय और ज्वालामुखी की क्रिया। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और पुनः ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, जलवायु परिवर्तन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? विकल्प 5 है आपके पास, पहला ग्रीन हाउस गैस, बी ओजोन परत का क्षरण, विकल्प सी प्रदूषण, विकल्प डी जनसंख्या का बढ़ना और विकल्प ई भी है। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए, ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ कि जलवायु परिवर्तन के लिए परोक्ष रूप से तो सभी चारों विकल्प आपका जिम्मेवार है, लेकिन मुख्यतया जैसे कहा तो प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार कौन है? ग्रीन हाउस गैस, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं आता है? 5 विकल्प है आपके पास, विकल्प ए है काना किसली, विकल्प बी है रणथंभौर, विकल्प सी है जिम कार्बेट, विकल्प डी है भीतरकनिका और विकल्प ई भी है। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं आता है। तो रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पर? तो यह राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ कि यदि आपको प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य के ट्रिक जानने हो तो शाही पाठशाला के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर ट्रिकी जीएस करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको मौलिक अधिकार से रिलेटेड भाग 3 मौलिक अधिकार से रिलेटेड भी बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक दिया हुआ है, जिससे निश्चित रूप से मौलिक अधिकार के सभी बातें आपको याद हो जाएगा और अनुच्छेद भी याद हो जाएगा। और यदि आप इसके राष्ट्रीय उद्यान का भी ट्रिक देखना चाहते हैं तो उसी प्लेलिस्ट ट्रिक जीएस में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ट्रिक मिल जाएगा। उद्यान के बारे में बता दूं कि कान्हा किसली वन्यजीव अभयारण्य जो है यह मध्य प्रदेश में है, जीम कार्बेट वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में है और भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित शैल समूहों में कौन सा भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? विकल्प ए धारवार, विकल्प बी गुंडवाना समूह, विकल्प सी विंध्यन समूह, विकल्प डी टर्शियरी समूह और विकल्प ई भी है। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, विकल्प बी गोंडवाना समूह जो है सबसे अधिक मात्रा में कोयला प्रदान करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर बी है, मिलान कीजिए, 20 है मिलान कीजिए, निम्नलिखित में से कौन जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो देखना है यहाँ पर कि कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। विकल्प ए है मक्का उत्तर प्रदेश, यानी राज्य का नाम दिया हुआ है और उत्पादक फसल का नाम दिया हुआ है। तो फसल है जूट, राज्य है पश्चिम बंगाल, फसल है कपास, राज्य है महाराष्ट्र, फसल है सोयाबीन, राज्य है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर विकल्प डी जो है ये सही नहीं है, अतः आपका विकल्प डी ही उत्तर हो जाएगा। तो सोयाबीन का उत्पादन जो है सर्वाधिक मध्य प्रदेश करता है।
सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। और बाकी सब सही है, कपास महाराष्ट्र करता है, जूट पश्चिम बंगाल करता है, मक्का उत्तर प्रदेश करता है, लेकिन सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश सर्वाधिक करता है। तो इस प्रकार से विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। बिहार में शीत ऋतु में झंझावतीय जो वर्षा होने का जो है कारण क्या है? मानसूनी हवा, चक्रवातीय तूफान, लौटती मानसून, काल वैसाखी या विकल्प ई। क्या होगा? झंझावतीय वर्षा होने का कारण जो है चक्रवातीय तूफान है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? कोटा में, उदयपुर में, रावत भाटा में, बीकानेर में और विकल्प ई भी है। तो इस प्रकार से क्या है, राणा प्रताप सागर विद्युत जल गृह कोटा में स्थापित किया गया है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कोटा में, कोटा कहाँ पर है? राजस्थान में स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग इकोनॉमी होना चाहिए, रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है, विकल्प ए नीति आयोग, विकल्प बी है भारतीय रिजर्व बैंक, विकल्प सी है भारतीय उद्योग परिसंघ, विकल्प डी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इंडिया वुमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट जो है यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स, ये भी थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर इंडेक्स होगा, फॉर डिस्ट्रिक्ट यानी PGID किसके द्वारा जारी किया गया है? तो परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसमें जो है राजस्थान राज्य जो है उसी का 3 जिला प्रथम स्थान पर आया है। आइए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य कितना रखा है? यानी जो बजट 22-23 का पेश किया गया था उसमें राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य है कितना रखा गया है? राजकोषीय घाटा कहते किसको हैं, पहले थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए। मतलब जो एक साल में भारत की आमदनी है और एक साल में जो भारत का खर्च है उसके डिफरेंस को राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो जो भारत अपने घाटे को कम करना चाह रहा है और इस कम करने में एक लक्ष्य रखा जाता है कि इस बार इतना कम करना है हमको, तो उसमें राजकोषीय घाटा कितना रखने का, कितना प्रतिशत जो है रखा गया था? तो 22-23 में जो है बजट 22-23 में 6.4 रखा गया था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इकोनॉमिक्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का सेट फर्स्ट का चौथा खंड। इसी तरह से मैं 25-25 प्रश्नों का सेट लेकर आता रहूँगा। आप नियमित रूप से शाही पाठशाला के साथ बने रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।